ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन परमानंद का अनुभव कर। ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण, है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले, परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन परमानंद का अनुभव कर तू। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर
कर ले मिलन। ओम शांति। अभी कुछ क्षण के लिए पूर्ण रूप से मन बुद्धि को एकाग्र करें भ्रुकुटि के मध्य। भ्रुकुटि सिंहासन पर देखें, दिव्य प्रकाश से चमकता हुआ आत्मा अपने दिव्य नेत्र से देखें। इतना सुंदर दिव्य प्रकाश आत्मा से चारों ओर फैल रही है। यह दिव्य प्रकाश सारा शरीर को भी प्रकाशित कर रही है। देखिए, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। पूर्ण निश्चय के साथ, विश्वास के साथ महसूस करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अब महसूस करें अपने सामने शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के रथ पर प्रकाश की काया में मेरे सामने हैं। मेरे ऊपर उनकी हाथ रख दिए, वरदानी हाथ, और मुझे वरदान दे रहे हैं। अमर भव, बाबा की यह बोल निकलते ही स्वीकार करें अपने आप को, मैं आत्मा अमर हूँ। बाबा के इस ज्ञान में अमर हूँ। यह ज्ञान मार्ग में मैं अमर हूँ। पूर्ण निश्चय से, विश्वास से स्वीकार करें। अब महसूस करें, बाबा कह रहे हैं वरदानी हाथ सिर पर है। बाबा कह रहे हैं संतुष्ट मणि भव, स्वीकार करें, अपने अंदर से स्वीकार करें। अब वरदानी हाथ सिर पर है, महसूस करें, बाबा कह रहे हैं बच्चे विजयी भव, महसूस करें मैं विजयी बन गया, मैं विजयी हूँ, मुझे बाबा ने वरदान दिया। बाबा मुझे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं, विजय का तिलक, महसूस करें। स्वयं बाबा अपने हाथ से मेरे मस्तक पर तिलक लगाया, विजय बाबा की तिलक। अब मैं महसूस कर रही हूँ शक्ति बाबा से आकर मुझे विजय दिलाने में पूर्ण रूप से लग गई है।
मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। रुका हुआ भाग्य जैसे खुल गया है महसूस करें। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं परम भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे स्वयं परमात्मा पिता खुद खुदा मिल गए। मैं बहुत भाग्यवान, बहुत भाग्यवान। अपने आप को अंदर से विश्वास के साथ महसूस करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा के साथ में इस शरीर से निकलकर प्रकाश की काया में ऊपर की ओर उड़ती जा रही है। सूक्ष्म वतन में पहुंच गया। बाबा मुझे वहां भी दृष्टि देकर इस प्रकाश की काया से भी अलग करके और ऊपर ले जा रहे हैं अपने साथ परम धाम। मैं उड़ता हुआ धीरे धीरे मन बुद्धि की एकाग्रता से परम धाम में पहुंच गई। शिव बाबा को देखिए, ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट बाबा से किरणें कैसे फैल रही है, दिव्य प्रकाश को निहारते रही है। अपने आप को यहाँ महसूस करें अनादि स्वरूप में, पूरा निराकारी, शरीर से अलग अशरीरी। बाबा की किरणें मुझ आत्मा के अंदर भर रहे हैं, मैं उनको अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों की किरणों को महसूस करें, प्रेम की किरणें, प्रेम की शक्ति की किरणें प्रवेश कर रही हैं, पवित्रता की शक्ति की किरणें प्रवेश कर रही है मेरे अंदर। आनंद की किरणें, खुशियों की किरणें, शांति की किरणों को महसूस करें। मैं आत्मा निराकार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं अनादि स्वरूप में स्थित हूँ, अपनी मन बुद्धि से महसूस करें। दृश्य देखते रहिए, बाबा ज्योतिर्लिंगो मैं भी ज्योतिर्लिंगो, एक बाबा पॉइंट और मैं दूसरा पॉइंट। निराकारी आत्मा, पूर्ण पवित्र आत्मा। अब महसूस करें मैं वहां से उतरी, सतयुग में उतर कर आ गई, आदि स्वरूप में महसूस करें। अपनी देव स्वरूप को देखें, खुद में आत्मा देवी चोला में, निरोगी काया, संपूर्ण स्वस्थ काया में प्रवेश कर। दिव्य गुणों से भरपूर मैं आत्मा,
इस दुनिया को सतयुग होता हुआ महसूस करें, स्वर्ग महसूस करें। मैं विचरण कर रही हूँ, साक्षी होकर सबको देखें। सबके अंदर दिव्यता है, दैवी गुण है, मेरे अंदर भी सारे दैवी गुण भरे हुए हैं। धैर्यता, नम्रता, सहन शक्ति, पवित्रता, चारों तरफ सतो प्रधान आत्माएं घूम रहे हैं। प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान सेवाधारी बन गई है। मैं प्रकृति प्रति आत्मा यहाँ आनंद से विचरण कर रही, सबको सुख दे रही। अपने आप को पूर्ण रूप से निश्चय से महसूस करें, खुद की स्वरूप को देखें, देव स्वरूप को। आनंद का महसूस करें, कितनी शांति है यहाँ पर, खुशी ही खुशी है। ऐसी दुनिया बहुत ही जल्द इस धरती पर आने वाला है मेरे सहयोग से। परमात्मा मुझे ऐसे ही बना रहे हैं। अब महसूस करें अपनी पूज्य स्वरूप को। द्वापर रूप में मंदिरों में कैसे आप पूजे जा रहे हैं, देखिए साखी होकर के। हनुमान के रूप में देखिए, गणेश जी के रूप में देखिए, देवियों के रूप में देखिए अपने आप को। मंदिरों में भक्त की लाइन लगी है और मैं मूर्ति बनकर सबको देख रही हूँ। बाबा मेरे द्वारा द्वापर युग में अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। महसूस करें कितना यह भी मेरा श्रेष्ठ स्वरूप है, पूज्य स्वरूप। मैं ही वो देव हूँ, मैं ही वो देवी हूँ। पावर है मुझे, ऐसा पावर भरा है मेरे अंदर, मैं ही ऐसा हूँ। मेरा ही स्वरूपों की पूजा हो रही है। तो आप परीक्षे कलयुग तक पूजा हो रही है। अब तक भक्त मुझे पुकार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मेरे स्वरूप को जागृत करने की आह्वान कर रहे हैं। भक्तों की आवाज अपने कान में गूंज रही है, जैसे महसूस करें। उनको देखें कितने कष्ट में हैं, बिलख रहे हैं, दुखी हैं और अपने इष्ट देव देवियों को आह्वान कर रहे हैं, जल्दी आओ, हे तारणहार उद्धार करो, ऐसे चिल्ला रहे हैं। मैं ही वो श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, देवात्मा, मैं ही मंदिरों में पूजी जा रही हूँ। अब महसूस करें संगम युग हो गया, बाबा उतर कर परम धाम से ब्रह्मा बाबा के शरीर में आ गए। ब्रह्मा वश्यों को अलौकिक दिव्य जन्म दिया, ज्ञान की जन्म मुझे चुन लिया बाबा ने। ओह सौभाग्य मेरा, इतनी बड़ी संसार में बाबा ने मुझे ब्राह्मण बनाया, ब्रह्मा मुख से जन्म देकर।
इस जन्म में भी मैं कितना श्रेष्ठ हूँ ब्राह्मण स्वरूप में। स्वयं भगवान मेरे से रोज बात करते हैं, स्वयं भगवान मेरे को आशा के दीपक सोचते हैं। मैं स्वयं परमात्मा की गोद में पल रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, रोज परमात्मा की उच्चारे हुए महावाक्य सुनती हूँ। सारे दुनिया में भगवान को देखने के लिए तरसते हैं, मैं रोज उनकी दर्शन करती हूँ, हर घड़ी दर्शन करती हूँ, हर घड़ी उनकी साथ हूँ। महसूस करें अपनी इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को, महसूस करें मैं ब्राह्मण हूँ, सच्चा ब्राह्मण हूँ। बाबा की हर नियम हर मर्यादा के अंदर हूँ। मेरे हर कर्मेंद्र ब्रह्मचारी है, ब्रह्मा के आचरण में है। मैं सच्चा और पक्का ब्राह्मण हूँ, मैं खुदाई खिदमतकार हूँ। कितना सुहावना संगम योग जिसने मुझे अपने परम पिता से मिलाया, वाह मेरा भाग्य। आप महसूस करें इस ब्राह्मण जीवन में मैं इतनी शक्ति इतनी शांति को अनुभव की कि मुझे आनंद मिला, खुशी मिली। मेरे यह शरीर भी प्रकाश की काया बन गया, मैं फरिश्ता स्वरूप में आ गई, फरिश्ता बनकर उड़ रही हूँ। बाबा मेरे साथ अपने फरिश्ते स्वरूप में, मैं अपने फरिश्ते की चोला में, बाबा मेरे हाथ पकड़कर सारा विश्व के भ्रमण करा रहे हैं, मेरे द्वारा फरिश्ते स्वरूप से सेवा करा रहे हैं। मेरा लाइन पूरा क्लियर है, मेरे मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ है। बाबा की हर किरणों को मैं चारों ओर फैलाने में सक्षम हूँ। मेरे अंदर कोई नेगेटिव गंदगी नहीं है। बाबा की हर पॉजिटिव किरणों को, शांति शक्ति आनंद प्रेम को चारों तरफ मैं फैला रही हूँ। बाबा मुझे टावर हाउस बनाया है, उनसे मैं रिसीव करके चारों तरफ फैला रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं तक फैला रही हूँ। फरिश्ता स्वरूप, कितना श्रेष्ठ स्वरूप है यह। दुनिया में लोग फरिश्तों को देखने के लिए तरसते हैं और मैं फरिश्ता बनकर उड़ उड़ कर सबके पास जा रही हूँ, सबकी दुख दर्द मिटा रही हूँ। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उड़ रही हूँ, सारे विश्व में चक्कर लगा रही हूँ। सबको बाबा की पैगाम दे रही है, अब अपना पिता आ गए, अब सबको वापस घर ले चलने के लिए। जागो हे आत्माएं, जागो। सारे विश्व की आत्माएं जैसे यह आवाज सुनकर जाग गई है, बाबा को देख रहे हैं, परम ज्योति देख रहे हैं।
अब मैं बाबा के सामने अव्यक्त वतन में फरिश्ते के रूप में बैठा हुआ हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, संपूर्ण अव्यक्त स्थिति का मैं महसूस कर रही हूँ। शरीर है ही नहीं, प्रकाश की काया है, बाबा के सामने बैठी। बाबा से बातें करें, अपने मन की बात, दिल की बात करें। बाबा की पावरफुल दृष्टि लेते हुए बातें करें, मीठी मीठी रूह रिहान करें। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में बैठे हैं, उनको देखते हुए, निहारते हुए, नजर से निहाल होते हुए बातें करें। अब धीरे से महसूस करें जैसे फरिश्ते स्वरूप से आत्मा प्रकाश की काया से निकलकर ऊपर की ओर जा रही है बाबा के पास। तेजस्वी किरणों को अपने अंदर भरे महसूस करते हुए एक एक गुणों को बाबा के अपने अंदर भरे। बाबा गुण की सागर है, हर एक गुण मेरे अंदर भर रहे हैं। हर कमी को मेरे अंदर बाबा भर रहे हैं, मुझे संपूर्ण संपन्न बना रहे हैं। मैं उनके समान बन रहा हूँ, जैसे बाबा वैसे मैं बनती जा रही हूँ। पाप समान महसूस करें अपने आप को, जैसा बाबा ऐसा मैं बन गया हूँ। पूरा बाबा के समान, मास्टर भगवान। जो बाबा के अंदर शक्ति है वो मेरे अंदर है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। जो बाबा के अंदर पवित्रता की पराकाष्ठा है वो मेरे अंदर है, इतना ही मैं परम पवित्र आत्मा बन गया हूँ। उसको धारण करें, अंदर स्वीकार करें, भर लें अपने अंदर। बाबा की दिव्य प्रकाश की नीचे बैठे रहें और भरते रहें। शांति से इतना भर गया हूँ कि सारे संसार को भी मैं शांति दे सकता हूँ। बाबा के जैसे मैं मास्टर शांति की सागर, शांति देवा बन गया, पूर्ण शांति, संपूर्ण शांति। आनंद की किरणें, सुख की किरणें, प्रेम की किरणें, इतनी प्रेम से मैं भरपूर हो गया हूँ। सारी दुनिया से मुझे प्रेम है, सारे प्रकृति से मुझे प्रेम हो गया है, सारे जीव जंतु से मुझे प्रेम है। प्रेम की प्रकाश मेरे से तेजस्वी किरणें जैसे निकल रहे हैं,
हवा से निकलकर मेरे अंदर भर रहे हैं और मुझसे निकलकर सारे संसार में फैल रहे हैं। सारे संसार प्रेममय हो गया है, सभी आपस में बहुत प्रेम से चलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने आप को एक पिता की संतान महसूस कर रहे हैं, सब प्रेम भाव से हैं। सब आनंद में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। सब बहुत खुश हैं, सब शांति में हैं। जैसे इस दुनिया में अशांति है ही नहीं, था ही नहीं, कोई जानते ही नहीं, सब शांति में विचरण कर रहे हैं। इन किरणों को सब महसूस कर रहे हैं, भावा से निकलकर मेरे ऊपर, मेरे से चारों तरफ फैल रही है। कितना ऊंची स्थिति है यह, इस ऊंची स्थिति में खुद को महसूस करते रहे, अपनी स्थिति को मजबूत बनाइए। कोई भी परिस्थिति में यह स्थिति हिलने वाला नहीं है, कोई भी परिस्थिति में मेरा पवित्र भंग होने वाला नहीं है, इतनी ऊंची स्थिति बन गया है। कोई भी परिस्थिति में मैं अशांत नहीं हो सकती, इतनी ऊंची स्थिति है। अपनी स्वस्थिति को बहुत शक्तिशाली महसूस करें। मैं दाता के बच्चे मास्टर दाता बन गया हूं, बाबा भी मेरे ऊपर बहुत खुश हैं। शुक्रिया बाबा, दिल से बाबा की शुक्रिया मानिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे चुनकर मेरा भाग्य बना दिया। आपको कोटि कोटि शुक्रिया। सारी दुनिया की शुक्रगुजार होइए, सारी दुनिया को शुक्रिया करिए, सबको शुक्रिया, प्रकृति को भी शुक्रिया। संसार की सभी जीव जंतुओं को शुक्रिया। हर एक मनुष्य की शुक्रिया। आस पास पड़ोस सगे संबंधी रिश्ते नाते सवाधारी सबको शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। कोई भावना वैर की नहीं है, सबको शुक्रिया करें। अपने दिल को विशाल करें, सबकी शुक्रिया माने, दिल से शुक्रिया माने सबकी, सबको शुक्रिया। सहयोग देने वालों को शुक्रिया, ना देने वालों को भी शुक्रिया, सबको शुक्रिया, धन्यवाद। ड्रामा को शुक्रिया, बहुत अच्छा ड्रामा, अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है, धन्यवाद।
अब उन सबको इमर्ज करें अपने सामने। इस जन्म में, किसी भी जन्म में, किसी को कहीं भी दुख दिया, असहयोग दिया, असहयोग किया, निंदा की, उन सब आत्माओं को आह्वान करके अपने सामने इमर्ज करें और उनके आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, हमको माफ कर दो, क्षमा कर दो। दिल से हम क्षमा मांगते हैं। आपको कहीं भी दुख पहुंचाया है, आपकी इंसल्ट की है, हमको क्षमा करें। और महसूस करें जैसे बाबा भी इन आत्माओं को अपनी शांति की, सुख की किरणों से भर रहे हैं, मेरे खाते मेरा हिसाब चुकता कर रहे हैं। इन आत्माओं को बाबा सब कुछ दे रहे हैं, उनका सब कमजोरी कमी दूर हो गए, सब अभाव दूर हो गए, उनकी मनोकामना बाबा पूर्ण कर रहे हैं। महसूस करें, यह दृश्य देखें, उनके शरीर में कोई तकलीफ नहीं, स्वस्थ बन गए। मैं बाबा से वरदान लेकर उनको दे रही हूँ, आप स्वस्थवान हो गए, आपको कोई तकलीफ नहीं। इस जन्म में आप जहाँ भी हो सुखी रहें, परमात्मा को पहचान कर भाग्यवान बन जाएं। मेरा यह दुआएं है। अब उन आत्माओं को इमर्ज करें जिन आत्माओं ने आपको सहयोग दिया, कोई भी जन्म में, कहीं पर भी, चाहे प्रकृति हो, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु, सबको इमर्ज करें, मनुष्यों को इमर्ज करें। देश विदेश कहीं भी हैं वो आत्माएं जिन्होंने आपको सहयोग दिया, सबको इमर्ज करें। जिन्होंने भी आपको कहीं भी दुख दिया उनको इमर्ज करें, उनको माफ कर दें, दिल से माफ कर दें। सब मित्र हैं, सब मेरे शुभाकांक्षी हैं, बहुत अच्छे हैं, बाबा की संतान है। आपके अच्छा हो, मंगल हो, आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें। मैं दिल से माफ करती हूँ आप सबको और पूरा हल्का महसूस करें, पूरा लाइट हल्का, कोई बोझ नहीं मेरे ऊपर। मैंने सबको माफ कर दिया, मेरे दिल में कोई बोझ नहीं, बाबा बस बाबा बैठा है। बाबा उन आत्माओं को भी सकाश दे रहे हैं, शांति की किरणों से, निरोगी बनने की किरणों से भर रहे हैं। वो स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं, धन से भरपूर हैं, कोई अभाव नहीं। सबको मैंने माफ कर दिया, सबको दुआएं दे रही हूँ।
अब सारे विश्ववासी के ऊपर महसूस करें। बाबा से पावर और ब्लेसिंग सबके सर पर है, छत्र छाया है। सारे विश्व की आत्माएं बाबा के ब्लेसिंग्स के नीचे हैं, पावर के नीचे हैं। गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स सबके ऊपर है, छत्र छाया जैसे। सब सुरक्षित हैं, सारे विश्ववासियों को देखिए सुरक्षित हैं। सारा विश्व, सारा भारत सुरक्षित है। उनमें से अपने परिवार जनों को भी देखिए, इस जन्म की वो भी सुरक्षित है, उनके ऊपर भी गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स है। अपनी सेवा साथियों को देखिए, अपने ऊपर भी महसूस करें। बाबा की स्पेशल किरणें सबके ऊपर पड़ रहे हैं, सब सुरक्षित है। बाबा की यह चारों ओर की यज्ञ सुरक्षित है। सभी भाई बहनें सुरक्षित हैं, महसूस करें। सारा संसार सुरक्षित है, परमात्मा की इस सुरक्षा कवच में है सब। सुरक्षा की घेरा के अंदर है सब। परमात्मा अपनी स्नेह शक्ति पवित्रता की किरणों से, निरोगी किरणों से सभी को सुरक्षा के घेराव में ले लिया है। सारे नेगेटिव्स उसके बाहर हो गए, सब सुरक्षित है। सब अपने पिता को देख रहे हैं और उनकी महसूसता में आनंद का महसूस कर रहे हैं, उनकी सानिध्य का महसूस कर रहे हैं। अब खुद को पूरा शरीर महसूस करें, पूरा बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार, विदेही, देही अभिमानी महसूस करें, पूरा आत्मा, आत्मस्वरूप को महसूस करें और परमात्मा स्वरूप को महसूस करें।
प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का करे मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब, शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ चंदन, सुखी रहे सब, शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। हर पाना है मन की शांति, हर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिन्ह का कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन।
बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही।